ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है अमृत महोत्सव, कोविड टीकाकरण, पोषण अभियान और टीबी मुक्त भारत अभियान पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा और आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। नमस्कार डॉक्टर अरोड़ा, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस बार का हमारा विषय है उसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे पोषण अभियान की। डॉक्टर अरोड़ा, समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक व्यापक योजना पोषण अभियान एक तैयार की थी जिसे पूरे देश में अपनाया गया, हम इसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। धन्यवाद नवीन जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। पोषण हमारे सब लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि पिछले 30-35 साल में जहां हमारी आर्थिक उन्नति बहुत तेजी से हुई है और आज हम दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हमारा जो हिस्सा है, प्रपोर्शन है, वो कुपोषित है। और ये खास तौर पे बच्चों में, छोटे बच्चों में, 5 साल से कम से जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं उनमें ये एक समस्या है जिससे कि हम सब भारत जूझ रहा है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया है कि पोषण जो है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है, हमारी क्वालिटी और गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण है कि जो हमारी उत्पादकता है व्यक्ति वो भी हमारे पोषण से जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि पोषण पे विशेष ध्यान दिया गया और पिछला जो महीना पहली से तीसरी 30 सितंबर के बीच में पोषण माह किया गया है। और पोषण का जो मुख्य मुद्दा है, खाने की चीजें हमारे यहाँ सब उपलब्ध हैं और समय के साथ जैसे जैसे घर में एक आमदनी बढ़ी है तो लोगों को ये जानने की जरूरी है कि पोषण सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर बच्चों का और महिलाओं का। कई बार हम लोग ज्यादा तवज्जो उन चीजों पे देते हैं जो हमें बाहर रहन सहन के खर्चा ज्यादा करते हैं, लेकिन खाने पे उतना खर्चा या खाने की तरफ ध्यान देने की जो जरूरत है वो की कमी रहती है। और दूसरा, अच्छा पोषण बनाए रखने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, ज्यादा जरूरत है जानकारी की कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो हमारे हम जहां रहते हैं वहां पर क्या चीजें उपलब्ध हैं और अगर हम उनको सही मिश्रण बनाकर के उन चीजों को उनका भोजन करते हैं, उनको खाते हैं तो कुपोषण नहीं होने की संभावना है और या कुपोषण से बचा जा सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, चाहे अगर माँ है तो बच्चे को अपना दूध जरूर पिलाना है, जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसका ऊपरी आहार देना है, इसी तरीके से जो हमारी किशोरी बच्चियां हैं और गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या खाना है इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर अरोड़ा, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए तमाम कोशिशें की गई हैं, सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई गई हैं। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए जमीनी समाधान आप कहां तक देखते हैं? पोषण का जो मुख्य मुद्दा है वो जानकारी का अभाव है और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा निकल के आता है, वो चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, कि जो तेजी से एक जो वैश्वीकरण हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है और हम लोग एक दूसरे की देखा देखी जो हमारी ट्रेडिशनल जो खाने की आदतें हैं उसमें परिवर्तन आया है। एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जो हम दूसरे की देखा देखी पश्चिम से आए जो खाने का आहार विहार है उस पे अगर हम तवज्जो देते हैं तो कुपोषण होने की संभावना बढ़ जाती है, या तो बच्चे कमजोर हो जाते हैं या बच्चे मोटे हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो उनको खाना पूरा मिल रहा है, ठीक मिल रहा है, लेकिन नहीं। तो जो हमारी जो ट्रेडिशनल खाने की जो तरीका है, उसकी सोच है और मौसम के साथ जो खाना बदला जाता है और नई सब्जियां आती हैं, दालें बदल जाती हैं और ये चीजें जरूरी हैं कि हमारे भोजन में हमारी जो ट्रेडिशनल सोच है उसके हिसाब से भोजन बनाए रखना चाहिए और उम्र के हिसाब से उसमें परिवर्तन भी करना है और उसकी मात्रा भी बदलनी है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि समय के साथ अब घरों में इतना पैसा उपलब्ध होता है कि खाना कुपोषित से कुपोषण ना हो, खाना उचित मात्रा में मिलता रहे, ये मुमकिन है, लेकिन कई बार हम दूसरे की नकल करके
अपने बच्चों में, अपने घर की महिलाओं में और अपने घर के बाकी लोग जो हैं उनमें खाने का एक असंतुलन आ जाता है और वो भोजन होता है। गरीब जो आपने जमीनी हकीकत के बारे में पूछा उसका मुख्य और जो पोषण कार्यक्रम है वो एक उसका मुख्य उद्देश्य भी यही है, हम किस तरीके से कम पैसा खर्च करके एक संतुलित आहार कर सकते। एक घर में दाल है, सब्जी है, दही है, रोटी है या चावल है, ये अगर 3-4 चीजें हम खाते हैं, हमें कहने में तो बहुत आसान लगता है लेकिन अगर हम इनको हर चीज को चाहे दिन में 2 बार या 3 बार खाते हैं और सब चीज का मिश्रण उपलब्ध हो और समय के साथ इसको बदला जाए कि आज मैंने एक तरह की सब्जी बनाई, कल दूसरी तरह की, और जरूरी नहीं कि सबसे महंगी सब्जी ली जाए या सबसे महंगी दाल ली जाए, लेकिन हमें क्योंकि प्रोटीन की मात्रा भी जरूरी होती है, हमें वसा की भी जरूरत होती है, हमें कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत होती है, और अगर हम बदल बदल के करते हैं, हम इसको डाइट्री या डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, तो हमें एक तो पोषण हमारा बना रहता है और दूसरा अनीमिया जैसी जो समस्या है जो एक बड़ी मुंह बाएं खड़ी हुई है उससे भी निजात होती है। यहाँ पर एक और पहलू जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो पिछले 6-7 सालों में उस पर बहुत सारा काम किया गया है और वो है स्वच्छ भारत। जब हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ होता है तो जो भी बच्चा खाएगा, बड़ा खाएगा, महिला खाएगी, पुरुष खाएगा, उसका वो खाना पचता है और शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा वातावरण दूषित है तो खाना भी ठीक से उसका डाइजेशन, उसका पाचन नहीं हो पाता और वो खाना वेस्ट हो जाता है। तो सफाई रखना भी पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना। डॉक्टर अरोड़ा, इस समय वो में रिच फूड बहुत ज्यादा है, उनकी डाइट बहुत अच्छी है लेकिन उसके बावजूद भी पोषण नहीं मिल पा रहा है और लोग ज्यादातर एनीमिक नजर आ रहे हैं और विशेषकर महिलाएं। इस विषय पर हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। अब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। रिच खाना मतलब हम लोगों ने खाना जो है में घी होगा, लेकिन सबसे बड़ी कमी अभी जो पूरे भारत में देखी जाती है और खास तौर में गरीब तबका है या लोअर मिडिल क्लास है, उसमें खाने में डाइवर्सिटी, विभिन्नता नहीं होती कि हमें हर खाने के अंदर कुछ चीजें ज्यादा होती हैं, कुछ चीजों की कमी होती है। कोई भी खाद्य पदार्थ हो, कोई भी सब्जी लेते हैं, तो अगर इस समय मौसम में 4 सब्जियां मेरे को उपलब्ध हैं तो मेरे को बदल बदल के 4 खानी चाहिए। इसी तरीके से दालें हैं, जो मेरे को दाल उपलब्ध है और जिसको घर में बदल बदल के बताएंगे तो कुछ दालों में किसी चीज की कमी रहती है, किसी चीज में ज्यादा होती है। तो डायट्री डाइवर्सिटी, खाने में विभिन्नता और एक बदलाव बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो ठीक है, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते इसलिए हम कुपोषित हैं, ये गलत। भारत में ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है और वो खाली सामिश भोजन खाते हैं, यानी कि वेजिटेरियन खाना खाते हैं, और उसी के में बदलाव करके किया जाता है तो वो बहुत ही पोषण युक्त हो जाता है और उसको खाया जाता है। एक चीज का बहुत ध्यान रखना होता है कि जैसे छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे, उनको घर में पका हुआ सारा खाना दीजिए, लेकिन एक तो ये है कि छोटा बच्चा है, उसकी जो विकास की जरूरत है वो ज्यादा खाना है और एक बार में एक व्यक्ति लिमिटेड खाना खा सकता है। तो जैसे बड़े हम लोग दिन में 3 बार खाते हैं तो छोटे बच्चों को कम से कम 6 बार खाना खिलाना होता है। दूसरी चीज, उनकी पसंद का खाना बनाएं और खासतौर पे 3 साल से जो कम बच्चे होते हैं वो चबाना पसंद नहीं करते, तो खाने को अगर मैं मुलायम बनाऊं, जैसे खिचड़ी जैसा बना दूं, या मैंने रोटी को दाल में करा तो छोटे छोटे टुकड़े करके अगर खिलाऊंगा तो बच्चे को खाने में आसानी होती है, और हर एक कटोरी में खाने की, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो और उसमें चावल हो, रोटी हो, अगर एक कटोरी खाना है उसमें 1 चम्मच घी या तेल डाल देता हूँ तो उसके अंदर से मेरे को जो ऊर्जा मिलती है वो 1.5 गुनी हो जाती है। एक कटोरी में आम साइज की है उसमें 100 कैलोरीज मिलती हैं, लेकिन अगर एक कटोरी में 1 चम्मच मैंने घी डाल दी तो वो 150 कैलोरीज हो जाती है। और ये बहुत बड़ा एक आप देख लेते हैं कि खाने की मात्रा नहीं बढ़ी लेकिन उसकी ऊर्जा 1.5 गुना हो जाती है। तो इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स हैं और ये जानकारी अगर हमारे घरों में माताएं बहनों को और पिताओं को भी ये मालूम होना चाहिए और इस चीज का खास ध्यान रखें। और फिर मैं एक चीज को एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि जो हमारा ट्रेडिशनल खान पान है उसको ना छोड़ें। जो अभी बात हुई थी प्रधानमंत्री जी ने कि अगला साल ईयर ऑफ द मिलेट है, ये मोटा अनाज जो है ये बहुत ही एक अगर बनाया जाए तो स्वादिष्ट बनाया जा सकता है और ये बहुत लाभकारी है और पोषक को अपने खाने में दोबारा लाने की जरूरत है। डॉक्टर अरोड़ा, पोषण अभियान की कामयाबी के लिए किन किन सेक्टरों को साथ लाने की जरूरत है?
जो हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो हमको खाना राशन से मिलता है, ये सारे सेक्टर्स को मिल करके देखना होता है कि जो नीतियां हैं वो पोषण के बारे में हमेशा सोच रही हैं। डॉक्टर अरोड़ा, अब हम टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसे देश को मुक्त करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है, ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं, कौन से नए कार्यक्रम हैं जो सरकार अब शुरू कर रही है? मैं एक विशेष कार्यक्रम का यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा और वो है निक्षय मित्र। निक्षय का मतलब टीबी मुक्त और मित्र मतलब कि समाज में से कोई आए आगे बढ़ करके और उस कार्य में सहयोग दे। तो ये कार्यक्रम अभी हाल ही में शुरू किया गया है कि देश में जितने भी मरीज हैं वो उनके बारे में एक लाइन लिस्ट सबको मालूम है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ रहता है, किस घर में। तो सरकार का आह्वान रहा है कि इसमें सामाजिक सहयोगिता से अगर हम इन अक्षय के या क्षय रोग के मरीजों को अगर हम अपना लेते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि ज्यादातर जो क्षय रोग के मरीज हैं बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, उनको पूरा खाना उनके पोषण बहुत बड़ा महत्व है। जो अभी हम पोषण की बात कर रहे थे कि पोषण बहुत महत्वपूर्ण रहता है और ये ऐसे परिवारों से होता है यहाँ पर पोषण की सचमुच कमी रहती है। तो एक तो जो इन परिवारों जिन मरीजों को अपनाया जाएगा उनको हर महीने थोड़ा सा पोषक आहार दिया जाएगा। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि मरीज एक या दो महीने दवाई लेता है और फिर बंद कर देता है, और ऐसा मरीज फिर खाली अपने लिए ही खतरनाक नहीं होता क्योंकि उसकी बीमारी बढ़ जाती है, वो अपने परिवार के और अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी बीमारी फैलाता है। तीसरा और जो बहुत ही एक हमारी राष्ट्रीय समस्या है कि अगर मरीज बीच में इलाज छोड़ दे तो बैक्टीरिया है टीबी का, वो दवाइयों का उससे असर होना कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये निक्षय मित्र का काम है, तो एक तरफ तो पोषण में सहयोग करना है और दूसरा उसको हर बार समय समय पर याद दिलाना है कि दवाई लेनी है, और अगर क्षय के जो मरीज है उसको कोई तकलीफ है जहां से दवाई मिलनी चाहिए उसको निभाने में उसको वो काम उसकी परेशानी को दूर करने का है। और ये कार्यक्रम बहुत हम खुद ने हमारी संस्था ने पूरे के पूरे 51 गांव हैं उनमें जितने भी मरीज हैं उनको हम लोगों ने अपनाया है और ये पहला महीना है और हम जिस तरीके का समाज की तरफ से रिस्पांस देख रहे हैं वो बहुत उत्साहजनक है। डॉक्टर अरोड़ा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय देश में कोविड की क्या स्थिति है और देश में जिन लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है उन सभी में कोविड के गंभीर होने की कितनी संभावनाएं हैं? हम देख रहे हैं कि पिछले साल अक्टूबर के बाद लगभग पूरा साल भर हो गया है कि इस बीमारी का जो महामारी का असर है धीरे धीरे कम हो गया है। इस हफ्ते का डेटा है, उस डेटा के हिसाब से जो ओमिक्रॉन वायरस है उसकी वजह से बहुत गंभीर बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम है। इस समय देश में कुल गिने चुने मरीज हैं जो कोविड की पॉजिटिव होने की वजह से दाखिल हैं और ज्यादातर ये वो लोग हैं जिनमें दूसरी बीमारियां कोमॉर्बिडिटीज हैं, लेकिन स्वस्थ लोगों में और जिन्होंने टीका लगवाया है उनमें ये बीमारी होने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। संक्रमण तो हो जाता है, हल्की खांसी जुकाम की तरह बीमारी तो हो जाती है, लेकिन गंभीर बीमारी होने की संभावना लगभग ना के बराबर। तो कुल मिलाकर के अब हम देख रहे हैं कि देश में लगभग 3000 के आसपास केसेस रोजाना रिपोर्ट हो रहे हैं और मृत्यु का आंकड़ा 10-20-30 के आसपास रहता है, और इसका मुख्य कारण हमारे यहाँ ये है कि एक तो जो प्राथमिक टीकाकरण है वो 92-93% लोगों को लग चुका है, उससे बहुत सुरक्षा मिली है, और दूसरा ज्यादातर लोगों को प्राकृतिक तौर पे भी कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, खासतौर पे ओमिक्रॉन का, इसकी वजह से भी एक दोहरा प्रोटेक्शन या प्रतिरक्षण हो जाता है, इसको हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं। इस वजह से कुल मिलाकर के इस समय बीमारी काफी हल्की है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी एहतियातन टीका है वो उपलब्ध रहेगा। ये देशव्यापी अमृत काल में जो टीकाकरण किया गया था उसमें मुफ्त किया जा रहा था, लेकिन अभी भी बहुत कम दामों पर ये प्राइवेट संस्थानों में उपलब्ध रहेगा। तो मैं ये कहूंगा सबको कि अपना पोषण ट्रेडिशनल सिस्टम से अगर खाना खाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर किसी को घर में टीबी है तो पूरे घर वालों को जांच करानी है। डॉक्टर अरोड़ा, हमसे जुड़ने के लिए, विशेष राय और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद नवीन। अभी आप सुन रहे थे अमृत महोत्सव कोविड टीकाकरण पोषण अभियान और टीबी मुक्त भारत अभियान पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा और आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।